Hello friends and very warm welcome to Chiggy's Biology another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about top universities which can help you in having a great career in bioinformatics. आज हम लोग इस पे बात करेंगे but इस topic पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग TIFR exam की preparation कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए Unacademy पे एक master stroke आ रहा है. इस master stroke batch को join करके आप लोग अपने TIFR exam की preparation को और अच्छा कर सकते हैं. और फ्रेंड्स ये जो बैच है ये आप लोगों के लिए केमिस्ट्री स्ट्रीम से भी आ रहा है. आप लोग केमिस्ट्री स्ट्रीम में इस एग्जाम को देना चाहते हैं और आप लोगों के लिए फिजिक्स स्ट्रीम के लिए भी आ रहा है. तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 11th जनवरी 2021 को. और ये दोनों ही बैच आप लोगों के लिए 11th जनवरी 2021 को आ रहे हैं. और फ्रेंड्स इन दोनों बैच को आप लोग सेपरेटली कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए सेपरेट, केमिस्ट्री के लिए सेपरेट, इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा. उस लिंक के थ्रू आप लोग जो है इन मास्टरी स्ट्रोक बैच को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी TIFR एग्जाम की प्रिपरेशन को वहां पे अच्छा कर सकते हैं. केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को मैंने बताया अलग है आप लोगों के लिए बैच और फिजिक्स के लिए आप लोगों के लिए अलग है TIFR एग्जाम का जो बैच है. और फ्रेंड्स एक और आप लोगों के साथ में इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आप लोग जो है TIFR फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं Unacademy पे. ये आप लोगों के लिए आ रहा है 11th जनवरी 2021 को 9 AM को. और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन है, इस मॉक टेस्ट की जो ड्यूरेशन है TIFR के लिए वो है 180 मिनट्स. और इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं फ्री. आप लोगों को वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसमें जो है वहां पे इनरोल हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता चल गया होगा. अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं और इसको आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए भी मैं एक सेपरेट लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा. उस लिंक के थ्रू आप लोग जो है इस फ्री मॉक टेस्ट को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने TIFR एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा वहां पे कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये बात हो गई इन सभी जो आप लोगों को Unacademy पे जो कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है या जो टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है उसकी. अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप लोगों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप लोग अपने बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग BHU बोलते हैं. और यहाँ से आप लोग MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं और ये ओनली यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है. और फ्रेंड्स PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आप लोग कर सकते हैं. अब एक है सेकंड यहाँ पे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता और PhD आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी में, बायोफिजिक्स में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में. अब बात करेंगे नेक्स्ट जो यहाँ पे है हमारा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है जिसको हम लोग इन शॉर्ट MAHE मणिपाल भी बोलते हैं. यहाँ पे आप लोगों को MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स मिल जाएगा और आप लोगों को PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स मिल जाएगा. अगर आप लोगों का इंटरेस्ट जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है तो ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल वहां पे प्ले करेंगे. अब बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे में है ये. यहाँ से आप लोग अपना MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं और PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे अमृता विश्वा विद्यापीठम, ये केरला में है हमारा. और फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं और आप लोग PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं. अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने इंस्टीट्यूट के बारे में. एक है हमारे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप लोग MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं और PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं. अब बात करेंगे भारतीय विद्यापीठ, ये पुणे में है. यहाँ से आप लोग MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं और PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं. अब हमारा है IISc बैंगलोर, ये बैंगलोर में है. यहाँ से आप लोग अपना PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेज, यहाँ ये बैंगलोर में है. यहाँ से आप लोग अपना PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं. अब बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, बैंगलोर में ही है. यहाँ से आप लोग अपना MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं और PhD आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ से कर सकते हैं. अब बात करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी MSc आप लोग यहाँ से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं और PhD बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप लोग यहाँ से कर सकते हैं. बात करेंगे IIT दिल्ली की, IIT दिल्ली में आप लोग MTech इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स
कर सकते हैं। अब बात करेंगे IIT हैदराबाद की, यहाँ से भी आप लोग अपना MTech इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सभी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी कॉलेजेस हैं जहाँ से आप लोग अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बहुत सारे मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं या अपना PhD कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, भले वो छोटा डाउट है, भले वो बड़ा डाउट है, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वहां पे हमेशा ही मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।